विजय को आने के लिए खबर दिया? जी हाँ, बड़ी देर से खबर दे चुका हूँ, अब तक नहीं आया। कोई भाई मैं आ गया किशोर। हाँ विजय, क्या खबर? भाई ये नाइट क्लब का मालिक बहुत होशियार आदमी मालूम होता है। कोशिश करने पर पता चला है कि ये किसी सोने के बहुत बड़े स्मगलर को लूटना चाहते हैं। कब? शायद कल रात। कल रात? लेकिन हाँ, जो तय होगा मैं एक चिट पर लिखकर अपने घर की दहलीज पर छोड़ जाऊंगा और तुम कल रात को मेरे घर से ले लेना। वेरी गुड, तमाम अफसरों की निगाहें तुम पर हैं। मजा जाए कि एन वक्त पर वो लोग पकड़े जाएं। अगर पकड़े ना गए तो मेरा नाइट क्लब में शामिल होने का क्या फायदा? भाई किशोर, जिस रोज प्राण पकड़ा जाएगा उस दिन बिंदु बिचारी को बड़ी मायूसी होगी। मायूसी क्यों? वो समझती है कि उसका भैया नाइट क्लब में जनरल मैनेजर है। बिंदु कैसी तुम्हारी बहन? शरारतें कुछ कम हुई उसकी? कहाँ, उम्र के साथ साथ बढ़ रही। बड़ी शरीर है लेकिन मुझे बहुत प्यार करती है। क्यों नहीं भाई, तुम्हें उसको पाला है, तुम ही उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ हो। यही चीज तो मुझे परेशान कर रही है। परेशान क्यों? किशोर, अगर किसी दिन प्राण को ये पता चल गया कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, जानते हो मेरा क्या होगा? लेकिन प्राण का तो तुम पर पूरा भरोसा है ना? पूरा भरोसा तो जमा रखा है, लेकिन भगवान ना करे किसी दिन कुछ हो जाए तो बिंदु को तुम। कैसी पागलों सी बातें करते हो, क्या बिंदु मेरे लिए कोई गैर है? अरे बिंदु की बच्ची, उठ। घर आने का वक्त हो गया भैया। अरे घर में कदम रखा नहीं है और तूने लड़ना शुरू कर दिया। हाँ मैं तो लड़ाकी हूँ ही। बिंदु नाराज हो गई? अरे भाई काम वाला आदमी हूँ, देर हो जाती है। तू तो चाहती है चूड़ियाँ पहनकर तेरे पास घर में बैठा रहूँ, यही ना? शाम को तो घर में बैठा करो। अरे हाँ बिंदु, आज इंस्पेक्टर किशोर तुझे बहुत याद कर रहे थे, तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ भाड़ में जाए तुम्हारा इंस्पेक्टर किशोर। अरे थूक देना इस गुस्से को। अजी वाह, अभी तक नाराज है आप। अरे बिंदु की बच्ची। अच्छा बिंदु, आज खाना क्या बनाया? मेरा सर। तेरा सर? अरे ये इतना खाना मेरे लिए? मालूम होता है बिंदु, आज भी तूने खाना नहीं खाया। मैं खाना खा चुकी हूँ जी। अच्छी बात, तू खाना खा चुकी है तो मैं भी खाना खा चुका हूँ। ठहरो, एक चोरी ऊपर से सीने चोरी, रात के दो दो बजे आते हो और ऊपर से रोब दिखाते हो, चलो बैठ कर खाना खाओ। अरे वाह वाह, तू तो ऐसे डांट रही है जैसे अम्मा। अम्मा ही तो हूँ। लो खा जाओ। बिंदु तू भी खाना खा लेना। नहीं मैं बाद में खाऊंगी। अरे खा लेना, नखरे करती है मेरी छोटी बहन, अच्छी बहन। बिंदु मुझे सुबह बहुत जरूरी काम है, तुम मुझे जल्दी जगा देना। सत्यानाश, क्या समझ के हाथ लगाया था तूने मेरी दाढ़ी को? भैया की दाढ़ी और क्या, तुझे शर्म नहीं आई? सच बात तो यह है भैया, शर्म आती थी जब ऐसा काम किया। कहती हूँ अपनी दाढ़ी साफ कर डालो, क्या सूरत निकल आएगी। सड़क के ऊपर चलोगे तो भाभियों की लाइन लग जाएगी पीछे। सच कहती हूँ। भाभियों की बच्ची, मेरे दोस्त क्या कहे मुझे? अरे जा भैया, दोस्त क्या कहेंगे, सूरत देख कर जलेंगे और क्या। बस अब थोड़ी सी कसर रह गई है, कर डालो
ये लो। ये कहाँ से लाई? वो सब कहीं से ले आई, लगा डालो। ये देखो, अब ये लो, काट डालो भैया। अरे शर्मा गए, लो भैया काट लो ना। काट डालो, दुखी क्यों होते हो भैया? फिर उगाएगी, घर की खेती है, अभी तो काट लो। अच्छा विजय बेटा, अब तो काटनी ही पड़ेगी। दाढ़ी मूछ तो साफ कर ली, नाइट क्लब जाऊंगा तो बॉस क्या कहेगा? अभी तक फोन नहीं आया, कहीं मिस्टर रमेश को शक तो नहीं हो गया? सोने के इतने बड़े खजाने की चाबियां उड़ाना आसान काम नहीं है बॉस। मेरे ख्याल में रीटा जरूर अपने काम में लगी होगी। रीटा जरूर अपने काम में लगी होगी, ये में थोड़ी देर। हिफाजत भी तो जरूरी है, आपको मुझ पर भी इतबार नहीं? कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग, तुम्हें सोना चाहिए? मैं तुम्हें सोने से ला सकता हूँ अभी तो इसी वक्त। नहीं चाहिए मुझे आपका सोना, मैं तो उस सोने की दीवार को तोड़ देना चाहती हूँ जो हम दोनों के बीच में खड़ी है। मुझे आपकी मुस्कुराहट चाहिए, प्यार भरी मुस्कुराहट। मुझे एक ऐसा पल चाहिए जिसमें मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूँ। चलो डार्लिंग, नाइट क्लब चले जहाँ रात के रंगीन साए हर तरफ फैले रहते हैं। जवानियां नाचती हैं, दिल नाचती हैं, उमंगे नाचती हैं। तुम भी नाचो, मैं भी नाचूंगी। मगर डार्लिंग, मैं तो नाइट क्लब ना जा सकता। ना सही, कहीं भी चलो, भगवान के लिए इनकार ना करो, कहीं भी चलो। जिद करती तो ठहर, मैं वायरलेस से पैगाम लेकर अभी आता। समझ में नहीं आता है क्या हो गया रीटा को। हेलो, कौन? मैं रीटा बोल रही हूँ। क्या हुआ? मैं मजबूर हूँ, मैंने बहुत कोशिश की। आदमी नेहायत शरीफ है मगर नेहायत होशियार भी। तुम उसे घुमाने के लिए अपने क्लब में जाओ। वो नाइट क्लब आने के लिए भी तैयार नहीं है बॉस, वो तो कहीं भी नहीं जाता। बोलिए जल्दी, बोलिए मैं क्या करूँ? अच्छा तो तुम उसे घर से कहीं भी बाहर ले जा सकती हो? हाँ, नहीं कर सकती हूँ, चाबियों का कुछ पता नहीं बॉस। चाबी के बगैर मैं चला लूंगा, तुम उसे घर से कहीं भी बाहर ले जाओ। ओके बॉस। डाके की तैयारी करो। तैयारी करो, लेकिन चाबी है बॉस। चाबी नहीं तो ना सही, डाका होगा जरूर होगा। बॉस मैं गाड़ी लेकर जाऊँ? फौरन फौरन। विजय तुम जौरी के यहाँ जाओ, उसे कहो कि हम सोना लेने के लिए जा रहे हैं, रुपया तैयार रखे, मैं तुम्हें घर से ले लूंगा। ओके बॉस। और विजय चाबी मत घुमाया करो। ओके बॉस।
अभी चले दिल रुका ओ हो तुम बड़े हो चाबियां लगाओ। ओके बॉस। चाबियां नहीं लगती, दूसरी तिजोरी पे लगाओ। फ्लैश लाइट ऑन करो। पुलिस आ रही है, गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करो। खाली हाथ नहीं लौटा। 10 साल में यह पहला मौका है पुलिस ने हमारा पीछा किया। उन्हें खबर देने वाला कौन है? कौन है वो? हम ही लोगों में से कोई उनसे मिला हुआ है? कौन? बोलो, जवाब दो। क्या कर रहे थे? मैं तो गाड़ी में था बस। तुम? मेरी ड्यूटी सर्च लाइट पे थी बस। तुम कहां थे? मैं तो आप ही के साथ था बॉस।
तुम क्या कर रहे हो? मैंने ही तो इंस्पेक्टर को रोका था बॉस। तुम नहीं, तुम नहीं, फिर किसने खबर दी है पुलिस को? जवाब दो, किसने खबर दी है पुलिस को? दुश्मन को जिंदा छोड़ा मेरे पेशेंट के खिलाफ है। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर किशोर। इंस्पेक्टर किशोर कहाँ है? उन्हें जल्दी फोन पर बुलाइए। इंस्पेक्टर किशोर, मैं विजय बोल रहा हूँ। कितना अच्छा मौका मिस कर दिया आपने, थोड़ी देर से पहुंचना। हेलो, तुम बोलते क्यों चाहिए कॉफी, ठंडा गरम, कोला, मंगोला, पाइनापोला, आइसक्रीम का गोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई फायदा नहीं होता। मिस्टर ब्रांड,
हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? बताइए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं तलाशी लेने आया हूँ। तलाशी? टेलीफोन पर बात खत्म होने से पहले एक चीख, एक अजीब चीख सुनाई दी। हाँ, आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। हमारे पास सिर्फ एक ही टेलीफोन है और वो भी इस मेन हॉल में है। जी हाँ, इसी बात की हैरानी मुझे भी। हैरान क्यों? आपके पास दूसरा टेलीफोन तो नहीं? नहीं तो किसी दूसरे नंबर पर? नहीं साहब। अजीब बात है इंस्पेक्टर साहब, मेरे होते हुए इस भरे होटल में आवाज का यकायक बंद हो जाना, वो अजीब सी चीख का सुनाई देना, ये मुमकिन है इंस्पेक्टर साहब? मुमकिन है मिस्टर ब्रांड, जिस वक्त चीख की आवाज आई उस वक्त आप यहाँ मौजूद ना हो। मैं तो शाम से यही हूँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छी बात है, मैंने टेलीफोन पर चीख की आवाज सुनी, एक्सचेंज से नंबर पूछा तो उन्होंने आपका नंबर बताया। मेरा? जी हाँ, 2554 नोट, आपका नंबर है ना? जी हाँ, नंबर तो मेरा। और आप कहते हैं कि टेलीफोन सिर्फ नीचे और कोई एक्सटेंशन है ही नहीं? आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये मेरा डाइनिंग रूम है। आप लोग कौन हैं? मेरे दोस्त हैं। खाना खाने के बाद कभी ताश वाश खेल लेते हैं। मिलकर बहुत खुशी हुई। आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? ओ हुजूर, ये तो मैं मुद्दत से लंगड़ा रहा हूँ, इसलिए तो मेरी शादी नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब, एक बात पूछूं, क्या पांव लंगड़ा हो जाने से दिल भी लंगड़ा हो जाता है? आपका दिल कब लंगड़ा हुआ? हुजूर, दिल नहीं, पांव लंगड़ा हो गया, वो भी वर्ल्ड वॉर नंबर 2 में। वर्ल्ड वॉर नंबर 2? जी। आप वहाँ सोल्जर थे? जी नहीं, मैं बावर्ची था। बावर्ची थे जी। मिस्टर प्राण विजय कहाँ? जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, वो आप यहाँ काम करता है ना? जी वो विजय, जी हाँ वो करता था, मगर मैंने उसे निकाल दिया। तो आपने उसे निकाल दिया? जी। क्यों? वो बदजानत आदमी था इंस्पेक्टर साहब, ऐसा आदमी को रखना कोई भी पसंद नहीं। क्या बदजान थे? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, हर कामयाब बिजनेसमैन के बहुत सारे दुश्मन होते हैं और वो मेरे दुश्मनों से मिला हुआ था। तो वो आपके दुश्मनों से मिला हुआ था? जी हाँ। आखिर इंस्पेक्टर साहब, आपको किस चीज की तलाश है? इनका ख्याल है हमने किसी का, मेरा मतलब है हमने विजय को कहीं छुपा दिया। ओह, तो इंस्पेक्टर साहब, आपका ख्याल है कि विजय इस कमरे में बैठकर ताश खेल रहा है? हो सकता है, इंस्पेक्टर साहब का ख्याल है। जी। आपने विजय को कितने बजे निकाला? आज 11 बजे। 11 बजे? 11 बजे उसने मुझे टेलीफोन किया, 11 बजे मैंने चीफ की आवाज सुनी, 11 बजे मैंने एक्सचेंज से नंबर पूछा और 11 बजे आपने उसे निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपका ख्याल है मैंने उसे रात को 11 बजे निकाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उसे दिन को 11 बजे निकाला। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, दिन को 11 बजे। हो सकता है एक्सचेंज ने मुझे गलत नंबर दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि आपको किसी और ने टेलीफोन किया हो। तो आपका यही कहना है कि विजय यहाँ नहीं है? यकीनन, बुझ गई, ये लीजिए। आप तो मुझ पर खामखा शक करते हैं इंस्पेक्टर साहब। अच्छा बैठना, हर वक्त सोता ही रहता है। पत्ता गिर गया था। आप लोग कब से यहां ब्रिज खेल रहे हैं? जी यही कोई 2 घंटे से। क्या नाम है आपका? ब्रिज। ब्रिज? ब्रिज मोहन। और आपका नाम? रमी रामचंद्र। तो आपका नाम तो फ्लैशी होगा।
इंस्पेक्टर साहब, आपकी तसल्ली हो गई। मिस्टर फ्रांस, अगर जरूरत हो तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जरूर जरूर। जरूरी काम नहीं था, उससे मिलना था। खैर, तुम उसे सुबह पुलिस स्टेशन भेज देना। तो बिंदु, तुम कुछ फिक्र न करो, उसका काम ही ऐसा, उसे देर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आप विजय के बहुत गहरे दोस्त हैं ना? हाँ। मेरा एक काम करेंगे? क्या काम? उससे कहिए नाइट क्लब में काम छोड़कर कहीं भी और काम कर ले। रोज रात को इतनी देर हो जाती है घर आने में, और मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, मैं उसे समझा दूंगा, वो नाइट क्लब हमेशा के लिए छोड़ देगा। उन लोगों का कहना है कि 11 बजे उसे नाइट क्लब से निकाल दिया गया, लेकिन ये चेन कहती है कि मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले वो वहां था। अब तक कोई खबर नहीं, टेलीफोन नहीं, जाने क्या बात हो गई? कहीं उन लोगों ने उसे... नहीं सतीश, ऐसा नहीं हो सकता। उसने फोन किया और 10 मिनट बाद में वहां पहुंच गया, और 10 मिनट के अंदर किसी का खून करके उसकी लाश छुपा देना, ये नामुमकिन है। इंस्पेक्टर साहब, वो बिंदु। इंस्पेक्टर साहब, भैया अभी तक घर नहीं पहुंचे, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आप कुछ कीजिए ना। घबराओ नहीं बिंदु, कामकाज में देर हो जाती, आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, माहिम काजवे पे एक लाश मिली है। लाश? लाश? किसकी लाश है इंस्पेक्टर साहब? ये तो पुलिस स्टेशन बिंदु, यहाँ तो लाशें आई करती। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। किसकी लाश है बिंदु? कोई बात नहीं बिंदु, तुम चलो अंदर मेरे साथ। बिंदु, वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसकी उसकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। नाइट क्लब का मालिक प्राण मेरे हाथ से बचकर निकल नहीं सकता। वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, विजय मेरे बचपन का दोस्त था।
उसकी मौत का बदला लेना मेरा फर्ज है। तुम भी किस्मत आजमा लो। लगाओ सेठ लगाओ, झाड़ लो तुम भी कुछ। नहीं लगाया ही दो। हाँ हाँ जरूर आएगा, बड़ी जरूर आएगा। पंजरवार बेगम 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 और लगाओ। लो भाई 5 रुपया। नहीं बढ़के आओ, बढ़के वरी लगाओ, वरी लगाओ। जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा साईं? 20 रुपया। हाँ 20 रुपया बेगम साईं। देखो अच्छा है साईं, साईं और लगाओ, फिर लगाओ, वरी लगाओ। नहीं तुम जीतेगा और लगाओ, लगा लगा लगा। सिंगल लगाएगा डबल मिलेगा। हाँ साईं वरी दिल खोल के लगाओ। हाँ 10 रुपया बेगम। साईं साईं फिर बादशाह, साईं फिर बादशाह। तुम बेगम बोलता वरी फिर बादशाह। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, जरा आंखें चुंदी आ गई थी। साईं साईं खेलो ना साईं। अरे चला गया तो 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 दुकान बंद देख सकता हो। अच्छा साईं तुम नाराज हो गए मालूम होता है, बाल बच्चेदार आदमी हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 9 बच्चे। 9 बच्चे? ओहो तुम भी मेरी तरह दिल के कमजोर हो। मेरे 12 बच्चे हैं। देखो ना मैं बाल बच्चे वालों का पैसा खाना नहीं चाहता। ये लोग गुम हो गए। खैर कोई बात नहीं, ये लो 5, 10, 12, 13, 15। असल में मैंने तुमसे ये पैसे जीते नहीं, मैंने पत्ते लगाए थे। मैं पत्ते लगाता हूँ, क्या करूँ, मेरे भी 12 बच्चे हैं, इसलिए मुझे ये धंधा करना पड़ता है। 5-10 जो मिलते हैं घर ले जाता हूँ। मेरे पास दिमाग है मगर पैसा नहीं। तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास दिमाग है। वो देख सामने नाइट क्लब, वहाँ रोज हजारों लाखों की जुआ होती है। बस अंदर चलेंगे, आज 10 लाएंगे, परसों 20,000 लाएंगे, परसों 30,000 लाएंगे। एक दिन तुम भी तो पेड़ी के हैं। अरे सिर्फ वहाँ दिखाने के हैं प्यारे, तुम भी लाखों पतों हो जाओगे। मंजूर? वापस तो आ जाएंगे। आ जाएंगे, आ जाएंगे, घबराओ नहीं प्यारे। अच्छा एक बात सुनो, तुम अकेले जाओ, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तो वो लोग सब खा जाएंगे, इसलिए तुम अकेले जाओ, मैं बाद में आता हूँ, समझे ना? सीधे जाना। हाय फंसा बेचारा, एक तो फंसा। क्या है वे कहाँ के बैठे? समझ जाओ? ओ समझ गया, समझ गया। बड़े शरीफ मालूम होते, शुक्रिया। फिर क्या? मेरा हिस्सा सेठ। तुम्हारा हिस्सा? काय का हिस्सा? काय का हिस्सा? नाइट क्लब के आदमी हो, तुमने उसे फंसा है। मैंने उसे फंसा है? वो तो खुद फंसा है, और मैं नाइट क्लब का नहीं हूँ। अच्छा, मैं बता दूँ। ये गलती न करना,
तुम मुझे न बताना, तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी गया और तुम्हारा हिस्सा लेके आया, समझे? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा सेठ। क्यों क्यों तुम मेरे साथ जाओगे भाई? आधा तुम्हारा आधा मेरा और मैं तुम्हारे साथ। आधा तुम्हारा आधा मेरा, वाह वाह वाह, जेब भी काटता है, रोब भी जमाता और हिस्सा भी मांगता है, आधा तुम्हारा। और चलो अजी, मैं तो उस रोज भी रुपया लेकर घर पर आपका इंतजार करता रहा। उस रोज माल नहीं मिला जौहरी साहब, लेकिन आप फिक्र न करें, सोना बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन मिस्टर प्लान, मैं रेट वही दूं। आप क्यों इतनी लालच करते हैं जौहरी साहब? अगर इतने रुपए क्या कीजिएगा? अरे उस रोज पुलिस ने जो मेरा सोना जब्त कर लिया, उसका नुकसान आज तक पूरा नहीं कर सका है। सोना पूछते ही रुपया आपकी मेज पर पक जाएगा। फिक्र मत कीजिए, सोना आपको मिल ही जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। माल आते ही मैं आपको टेलीफोन से इत्तला कर दूंगा। लाओ। चोरी करनी नहीं आती तो क्यों चोरी करता है? हुजूर, हुजूर, तीन दिन से भूखा था। मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। जी। ये लड़कियों का काम है। भूख के करने से चलकर ये ना करती तो और क्या करती? काम करोगी? काम? आप मुझे काम देंगे? मैं काम करूंगी, जरूर करूंगी हजूर। काम में खतरा हो तो? जो काम कर रही हूँ हजूर, उसमें भी कोई कम खतरा तो नहीं। माँ बाप कहाँ हैं? मर चुकी। कोई भाई भाई? भाई जिंदा होता तो शायद यहाँ आने की नौबत ही ना आती। दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? कोई नहीं हजूर, बिल्कुल कोई नहीं, एकदम अकेली हूँ। ईमानदारी से काम करोगी? आजमा लीजिए। आजमाऊंगा, आजमाऊंगा। चलो। यस बॉस। कम ऑन डियर। यस बॉस। अरे वाह कलयुग के भगवान, तू जिस पे दयालु हो जाए वो गधे से आदमी बन जाए। अगर ये इंजेक्शन मुर्दे को लग जाए तो वो भी जी जाए। ए से जेड तक सभी विटामिन तुम में है। तुम? जी। तुम इसको जानते हो? यस बात जानता हूँ। क्या? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कम वक्त मुझी से टैक्स मांगता था। मांगता नहीं, मांगती। लड़की है लड़की। नहीं बात, ये लड़का है लड़का, सर से पांव तक शैतान है। मेरी जेब काट दी। मेरी भी जेब पर हाथ डाला था। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपकी जेब पे भी हाथ डाला था और फिर भी आप कहते हैं कि ये लड़की? मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती है। यस बॉस, आई एम सॉरी बॉस, आप कहते हैं तो जरूर लड़की होगी, लेकिन बॉस लड़की है। जी, 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 जी हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लड़की है लड़की है, मगर फिर भी बॉस लेकिन। अच्छा नहीं नहीं, लड़की है लड़की है, मैं खुद कहता हूँ लड़की है। यस बॉस, बिल्कुल लड़की है। आज से हमारे साथ काम करेगी, इसको अपने पेशे की हर तरकीब सिखा दो। इसे बाप, ये तो मेरे जैसे 10 आदमियों की पुड़िया बनाकर जेब में डालकर चल दे, इसे क्या सिखाऊंगा। बाप आपका फोन। क्यों बे? क्या है, नजर लगाएगा? अबे लड़कियों का नाम क्यों बदनाम कर रहा है? हाँ हेलो हेलो हेलो, आपको बहुत देर हो गई, जल्दी आइए। शिकार आ गया? नेकलेस गले में है। नंबर क्या है? एरो सीट 21-22। शिकार पर नजर रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। मिस्टर पाशा। हाँ? बताओ। ये? हाँ? बात असल में ये है। हाँ? कि मैं हूँ तो लड़का, लेकिन आस्ते आस्ते लड़की बनता जा रहा हूँ। किसी से कहिएगा मैं? बहुत बात
तो तुम्हें आजमाया जाए? यस बॉस, अगर आप कहें तो आसमान के दामन से सितारे तोड़ लाऊं, समुद्र की तह से मोती चुरा लाऊं। यस बॉस, वेरी गुड बॉस, वेरी गुड बॉस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मिस्टर सो एंड सो, मिस व्हाट नॉट, चलिए। ये तो नहीं जाता, मालूम होता इसने मुझे पसंद कर लिया। तुम क्या छुपाते हो जी, खाली दुपट्टे से क्या होगा, कहो तो चूड़ियां भी उतार दो। अजी आप कहें तो हम चोली भी पहनने को तैयार हैं, इसे भी उतार दीजिए। बुलबुल, अगर तुम्हारे कमजोर हाथ इस दीवार को तोड़ ना सके तो मेरी टकरे इसकी बुनियादें हिला देंगी। तकदीर से न उलझो रोशन, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बेरहम हाथ तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ले। हार निकालने के बाद थिएटर में आखिरी आदमी कौन था? मैं था बस। तुमने बिंदु को थिएटर से निकलते हुए देखा? यस बस। अभी तक आई क्यों नहीं? उसके साथ कोई था? पुलिस। पुलिस? जी हाँ, मैंने पुलिस को उसे ले जाते हुए देखा। टेन, तुम फौरन पुलिस स्टेशन चल जाओ, देखो वहां क्या हो रहा है। अटेंशन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अबे चोरी करनी नहीं आती तो करता क्यों है? तो पुलिस के साथ क्या कर रही थी? चोरी खेल रही थी बस। हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? निकाल। छोड़ो मुझे, देती हूँ अभी। क्यों बॉस, हो गई आजमाइश? देख लिया मेरी काबिलियत का नमूना? थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। बिजली हो बिजली। कौन सी बॉस, एसी या डीसी? जी चाहता है मैं तुम्हें। बॉस एक बार बोल दिया ना बस, हाथ पाथ नहीं लगाना। हाँ हम तो लड़का समझते, लड़का कॉमरेड कुलीग। कॉमरेड कुलीग, तो फिर लाओ हाथ बॉस। इंसान को पहचानने में मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। सो तो मैं देख ही रही हूँ, इंसान को पहचानने में आपकी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। बहुत कम क्या बॉस, आपकी आंखें तो धोखा खाती ही नहीं। जादूगर है, जादूगर, जादूगर जी हम। कौन सा जादू किया है बॉस? लाल जादू, काला जादू, पीला जादू, सफेद जादू? काम का जादू। काम का जादू, जादू किया है? मैं जादूगर हूँ। ओ पाशा, बॉस बोलता है मैं जादूगर हूँ, मैंने जादू किया है। किया है, किया है, जादू किया है। मैं हूँ जादूगर, मैं हूँ जादूगर।
कर के नन सर मेरे चले हैं क्या चीनी क्या जापानी है मेरी जादू की झोली हर जादूगर की नानी सारे मेरे चले हैं क्या चीनी क्या जापानी मंत्र में ऐसा चलाऊं हाथी को चूहा बनाऊं चक्कू 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 चाऊ म्याऊ अर 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 मैं हूँ जादूगर ओ मैं हूँ जादूगर कर दो जमाने को इधर से उधर मैं हूँ जादूगर ओ मैं हूँ जादूगर चला 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 जादू दिल को बचाना देखो 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 कहीं फिसल न जाना चला चला जादू दिल को बचाना देखो 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 कहीं फिसल न जाना आए यहाँ बड़े बड़े लुट जाए खड़े खड़े तुझे बिना रोना पड़े डर 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 मैं हूँ जादूगर ओ मैं हूँ जादूगर कर दो जमाने को इधर से उधर मैं हूँ जादूगर ओ मैं हूँ जादूगर कर दो जमाने को इधर से उधर मैं हूँ जादूगर ओ मैं हूँ जादूगर बनवारीला 19 नंबर कुकिंग तैयार है जी हाँ तैयार है जरा जल्दी भेज दीजिए बस एक ही मिनट में भिजवाता हूँ ओके अंदर जाने का रास्ता बाहर से आने का रास्ता माल ले जाने का रास्ता और माल ले आने का रास्ता ये मैं नहीं पता था बासाबे उसी से पूछ यस बास क्या हुक्म है बास ये पैकेट 19 नंबर को पहुंचा दो बहुत अच्छा बास पाशा यस बास हर बार तुम ही जाते हो बार बार नजरों में आना अच्छा नहीं मगर बास और कौन जाएगा आप हुक्म दीजिए मैं किस लिए हूँ मैं किस मर्ज की दवा हूँ तुम जाओगे क्या समझ रखा है आपने बिंदु को आप कहिए तो शैतान की आंखों में सुरमा लगाया हूँ कहाँ जाना होगा बॉस चीन जापान तेहरान ईरान भाईजान सोच लीजिए बस नागपाड़ा 35वीं गली में पहुंचाओ जान यस बॉस बिंदु के साथ जाओ उसकी जगह दिखाओ लेकिन बॉस इसमें है क्या कोकेन कोकेन लेकिन बॉस अगर कहीं मैं मारी गई तो तुम्हारे तरफ उठने वाली उंगली को काटने का इंतजाम हमारे पास है यस बॉस जाएगा बॉस जाओ कोकेन और बिंदु का ख्याल रखना Okay.
जादूगर कहाँ गया है बॉस? जादूगर? कभी मेरा भी तो जादू देखा करो। तुम्हारे जादू का तो इंतजार है। जिस रोज तुम सोना ले आई उसी रोज हम नाइट क्लब बंद करके चले जाएंगे। हम, आप और मैं भी? जरूर, तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदा नहीं रह सकता डाली। फिर तो लाऊंगी, चाबी भी लाऊंगी, सोना भी लाऊंगी। आखिर कब तक बचेंगे मिस्टर रमेश? हेलो, बनवारी लाल, 19 नंबर कोकिन मत भेजिए। मेरे मकान पर पुलिस वालों ने छापा मार दिया है। क्या कहा? पुलिस ने तुम्हारे बिल पर छापा मारा? जी हाँ मिस्टर प्राण, कोकिन मत भेजिए। अरे कोकिन तो यहाँ से कब्जे निकल चुकी है। अरे अरे मैं मारा जाऊंगा मिस्टर प्राण, कुछ भी करके कोकिन को रोक लीजिए। मगर मेरा आदमी कब का निकल गया है भाई? प्लीज मेहरबानी करो, कुछ भी करो मगर कोकिन को रोक लो। कोशिश करना बहुत मुश्किल है। फिर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, जरा होशियारी से। जल्दी करो जल्दी। चौकीदार हो जा रहे हैं। अरे इस बिल्डिंग में और कहाँ? इस बिल्डिंग में किसके पास? किसके पास? अबे तू होता कौन है पूछने वाला? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? तो आपको बताना ही पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर? लेकिन हाँ, साफ साफ बताओ जा कहाँ रहे हो? घर जा रहा हूँ। आ कहाँ से रहा है? मैं घर जा रहा हूँ। घर से आ रहा है और घर जा रहा है, मुझे बेवकूफ बनाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैं चाचा के घर से आ रहा हूँ और ससुराल जा रहा हूँ। मिस्टर, मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी? मेरी तलाशी? किस बात की इंस्पेक्टर साहब? कोकीन की। कोकीन? कोकीन? वो क्या चीज होती है इंस्पेक्टर साहब, किस काम आती है? बहुत भोले बनते हो, जेबों की तलाशी दो। हजूर मैं सच कहता हूँ, मेरे पास कोकेन, कुनीन, एनर्जी, निकोटिन कुछ भी नहीं है। सीधी तरह से देता है तलाशी या नहीं? कैसे नहीं देता, आप कहेंगे तो देख लीजिए क्या रखा है मेरे पास। ये चाबी है, रुमाल है और ये तो कागज है थोड़े से। हजूर हजूर अब तो मैं जा सकता हूँ। जैकेट की जेबें दिखाओ। देख लीजिए क्या, 2000 आने हैं बस। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, आइए। कैसे हैं मिजाज? आपसे मिलिए, आप हमें सरिता। आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? कब? हेंस रोड पर मैंने आपको आवाज दी थी। I'm so sorry, इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना नहीं। आपने आवाज दी? नहीं तो हमें तो सुनाई नहीं दी। सर भाई क्या बात है? मुझे आपकी और आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इंस्पेक्टर साहब बहुत बातें बनाते हैं तुम। आपको नींद नहीं आती? नींद? जी नींद तो अभी आ जाएगी। कुकिंग का पैकेट कहाँ है? जी वो आपने मेरी तलाशी तो ले ली है, अब मुझे घर जाने दीजिए ना। घर तो अब मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। जरा जल्दी भेज दीजिएगा हजूर, मेरी बीवी बड़े तेज मिजाज की है, कहीं नाराज होगी तो मुसीबत आ जाएगी। और फिर इंस्पेक्टर साहब मैं घर जमाई हूँ, अगर बीवी नाराज हुई तो सास ससुर भी नाराज हो जाएंगे। जूतियाँ खाते खाते खामोशी से खड़े रहो। हाँ जी आपने तो यूं ही रोक रखा है। क्या
शैतान कहा तो तुम कठपुतली बनकर नाच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब तक तुम्हारे भाई की चिता की आग ठंडी नहीं हुई? अगर तुम्हें सहारी की जरूरत है तो मेरे पास क्यों नहीं आए? ठीक कर रही हूँ, इससे तुम्हें मर जाना चाहिए था। बाबा मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनिए? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, नहीं तो बड़ा बड़ा बना है खेल बिगड़ जाएगा। नाइट क्लब में शामिल हो गई। उस वक्त विजय की मौत के बदले के सिवा मुझे और कुछ नहीं सूझता था। शाबाश बिंदु, कितनी बहादुर हो तुम, भाई की मौत का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी जुरत। और मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। माफी? क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मेरा कितना ख्याल रखती है बिंदु। विजय तुम्हें मेरे सुपुर्द कर गया था, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। तो इसलिए आपने मुझे पीटा? चाह तो यही समझ लो। क्या समझ लो? बताना जरूरी? बिंदु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, समझ ली जाती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं समझी। और मुझे समझाना भी नहीं आता। तो तुम अपने आप से पूछ लो। बाबा एक पैसा, मालिक के नाम पर एक पैसा, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे दाता दाता। एक पैसा बाबा बाबा, भगवान के नाम पर एक पैसा दाता, भगवान तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे दाता। निगाहों का इशारा है, बाहों का सहारा है, यही तो है।
अरे ये खोलना तो मैं भूल ही गया, खोल दो। आपकी मर्जी है। खोलने को तो जी नहीं चाहते, कितनी अच्छी लग रही है इसमें। खोलना तो पड़ेगा ही, मुझे नाइट क्लब जो जाना है। जरूरी? प्राण मेरी इंतजार में नाइट क्लब सर पर उठा रहा होगा। सच बहुत रात हो गई है, चलना चाहिए। बहुत डरती उससे। बॉस जो ठहरा। और हम बॉस नहीं? फिर क्या है? मेरा ख्याल है मैं भी नाइट क्लब में आ ही जाऊं। जी? अब तुम्हारे बगैर मुझे चैन कहां? भगवान के लिए कहीं ऐसा मत। अरे ये खोलना तो मैं भूल ही गया, खोल दो। आपकी मर्जी है। खोलने को तो जी नहीं चाहते, कितनी अच्छी लग रही है इसमें। खोलना तो पड़ेगा ही, मुझे नाइट क्लब जो जाना है। जरूरी? प्राण मेरी इंतजार में नाइट क्लब सर पर उठा रहा होगा। सच बहुत रात हो गई है, चलना चाहिए। बहुत डरती उससे। बॉस जो ठहरा। और हम बॉस नहीं? फिर क्या? मेरा ख्याल है मैं भी नाइट क्लब में आ ही जाऊं। जी? अब तुम्हारे बगैर मुझे चैन कहां? भगवान के लिए कहीं ऐसा मत करना। तुम जहां कहोगे मैं वहीं तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगी। ये बात नहीं बिंदु, विजय की मौत का राज नाइट क्लब में छुपा हुआ है, मुझे तो प्राण से मिलने आना ही होगा। ये अच्छा है कि तुम भी वहीं हो। तुम वहीं रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। मेरी जरूरत होगी। अगर कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे सतीश, कुछ तो करना ही पड़ेगा। किशोर साहब, इन निशानात के बारे में कुछ पता चला? हाँ, बस यही एक उम्मीद रह गई है। तुम हो बे 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 बे, क्या करता है बे? अरे बकरी का मामा की तरफ से। अबे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अबे ऐसी तरह से बोलना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो हाँ तो बोलना, भूखा ले ये ले कनी ले जाता भी ले। लगा लगा मटका लगा लगा मजा। अगर आज बास होता वो भी देखता, मुझे भी कोई मटका लगाता। बोल 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 बोल, जा रहे हो आज मैं। हाँ क्या खाएगा क्या खाएगा बोल। ये मोर मसूर की दाल बोलता मुर्गी का हुआ। अबे चटनी क्या मुर्गी का? ये तो क्या नाराजगी होती है। हाँ 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 अंडा खाओगे? अच्छा बताओ हाफ फ्राई खाओगे या फ्राई खाओगे? जो भी हो चलो चलो चलो। अबे तू जाइए ना, बात आ क्या बोला तो मैं फ्राई होता हूँ। बादशाह। यस बॉस। कौन है यार? ये भूखा है बेचारा, गूंगा है। तुमसे क्या कह रहा था? मुझसे खाने के लिए कुछ मांग रहा था बॉस।
मैंने इसे कहीं देखा है। आपने इसे कहीं देखा है? अंदर बुलाओ उसे। इसे अंदर। अरे वो आ रहा गुंगे खां, तेरी किस्मत खुल गई। किचन में बादशाह के पास एक गूंगा खड़ा है, उसको इधर दिया। और एक बस बैठ। अरे उधर नहीं, ऊपर कुर्सी पे बैठ। बॉल उसको नीचे बैठने दो ना, टेबल क्लॉक खराब करेगा। अच्छा बैठो, ऊपर बैठना जल्दी। रुस्तम, ये बहुत दिन का भूखा है, इसको इतना खाना खिला कि इसका पेट फट जाए। और एक बस चल चल, हाथ हटा, आज इस धोबी के पास चला है। किधर रहता है? कहीं भी नहीं रहता है। देखा अरे बॉस, बम्बन मालूम होता है, खा जीती मुर्गी है। बॉस बम्बन नहीं है, ये भरता ले, भरता ले, डाल ले। हाँ, हाँ। काम कर, ये तो अपना बॉस है ना, तुझे वेटर से रेफ्रिजरेटर बना देगा, समझा बेटा? ओ, ओ, बेटा नहीं, बेटा नहीं, तू तो मेरे बाप से 2 इंच बड़ा और माँ से 1 इंच छोटा। देख देख देख, मैं मिस्टर रुस्तम खान हूँ। हाँ, दिलबर जान नहीं, समझा? ले ले, ये ले तेरे कपड़े। हाँ, ये वेटर नंबर 34। अबे 420 नहीं, 34 है, काम बराबर करना। मैनेजर साहब, ये आदमी हम इसको संभालेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कहा तो निशान कैसे? कैसे बंद होने के बाद ये सब पीते हैं? अरे पैरा नंबर 34, इस लप्पू झंडा के चक्कर में मत आना, वरना बच्चों जिंदगी भर चक्कर में रहोगे और बॉस तुम्हारा आइसक्रीम बना देगा बगैर फल देगा। चलो फूटो, घड़ी घड़ी चुभता है। जी जी, थोड़ा अच्छा है और थोड़ा बुरा है जी। ये बीच में रहने का बात ठीक नहीं है, कहीं या तो बोलो अच्छा है जी, कहीं या तो बोलो बुरा है। रुस्तम जी, घूमने को चलेगा जी? घूमने को? लेकिन ये बॉस के खाने का वक्त है जी। ये गूंगा किस लिए है, इसको भेज दो ना। इतना हसीन मौसम है, कितनी सुहानी घड़ी है, और रुस्तम जी तुमको खाने की पड़ी है? माँ कसम, ये बात बहुत बड़ी है। बहरा, एक गूंगा
दूर से, दूर से, दूर से। देखो आज तुम बॉस को खाना ले जाओ और हमारा पूछेगा तो बोलना क्या हम हवा खाने को गया है। दूर से, दूर से मुंह से बात आती है, दूर से। कैसा आदमी है, घड़ी घड़ी चूमता है। अच्छा आदमी है जी। हाँ, तो क्या मैं बुरा आदमी हूँ? तुम थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है जी। एक काम करो जी, बुरी चीजें तो डालो कचरे की पेटी में और अच्छी चीजें अपने साथ ले चलो जी। गुरु बनाने की जरूरत कैसे की? फिर कभी यहां कदम रखा तो जल चला। मरवा डाला ना कहीं ना अपनी नौकरी। उस गूंगे बेचारे को मार पड़ी है और तुझे नौकरी की पड़ी है? अरे मार तो उससे पड़ी है, मगर तू यूं क्यों खड़ी है? अबे जा, चल चल के गूंगे से पूछते हैं कि बॉस की वजन कितना है। तेरे कोनी का वजन ज्यादा है। हाय मैं मर जाऊं, बॉस ने तुम्हें मारा? सब कसूर रुस्तम के बच्चे। क्यों बे? खाना खिलाने तो ऊपर भेज दिया, ये नहीं बताया कि आखिर सीढ़ी के ऊपर अलार्म लगा हुआ है। मामा मामा ये वहाँ क्या कर रहा है? अपना ही आदमी है। अच्छा भैया 34 मुझे माफ कर देना है, जरा हाथ हटा। चल चल इसी बात पर थोड़ी सी पी ले, सब मार बार भूल जाएगा। हाँ हाँ, अबे जब तक है जी में जी तो कहते हैं पी, और जब निकल जाएगा जी तो पीछू कौन कहेगा पी। चल हम आज तेरे साथ पिएंगे और तेरे खाते पे पिएंगे। शर्मा रहा है। हाय मैं बताऊं, अकलमंद आदमी हाथ से मौका नहीं जाने देते। आज ऐसी पिलाओ, ऐसी पिलाओ कि सब हाथ फैलाकर आंखें बंद करके चित के चित सो जाए। फिक्र मत कर, अभी लाता हूँ। अरे 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 34 के खाते में, समझा? झूम के चले, फिर से झूम के चले, झूम के चले, ये चले मेरे प्यार के, झूम के चले, ये चले ये चले, हम तो सदा भी है तेरे प्यार के।
चले ये चले हम तो शराब तेरे प्यार के झूठे चले ये चले ये चले हम तो शराब तेरे प्यार के पहले की होश में आ जाएंगे निशान लेने लगे हाथ जाओ अबे गुद्दू ने क्यों करता है ले जाओ बस आएगा तुझे अरे छोड़ तुम पियाला है हम होश में हमको सब मालूम है ये मैनेजर है और तुम बेरा है हम सब जानता है क्यों बे बस ले जाओ ऊपर जल्दी अबे छेड़ बोलता है ले जाओ तुम हमारे मोहब्बत को ठुकराता है तो गेट आउट हम जाएगा अलविदा 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 अबे किधर गेला वो तो खड़े हुआ उधर रास्ता ऐसे बोलता है ये बॉस के कमरे का दरवाजा है आखिर कब तक बचेगा बॉस वो बड़े कमजोर दिल का आदमी मैं तो तुम्हें तब मानूंगा रीता कि रमेश का सारा सोना हमारे हाथ में आ जाए जिसने दिल दे दिए है बॉस वो सोना लेकर कहाँ जाएगा बाय बाय देख लेता तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा ना बचता आज तक शायद वो जाग रहा होगा देखो तुम चले जाओ यहाँ से क्यों जानबूझ का खतरा मोल लेते हो तुम जानते हो कि वो खतरनाक आदमी है ना खुद बुजदिल बनो ना मुझे बनाओ मैं पुलिस का आदमी हूँ बिंदु मैं अपना ये फर्ज अदा करके ही जाऊंगा इसके अलावा भी तो तुम्हारा दूसरों पर फर्ज है अगर ये फर्ज अदा करते करते तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा तुम फिक्र ना करो मुझे कुछ नहीं होगा इसका क्या यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी अपने रो रो कर बिता दूं आगे ये आदमी मेरे भाई को खा गया बिंदु
बर्दाश्त नहीं होता। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे पाकर कमजोर हो गई हो, तुम अपना सबसे बड़ा फर्ज भूल रही हो। तुम यहाँ विजय की मौत का बदला लेने आई हो और मैं एक मुजरिम को मुजरिम साबित करने के लिए आया हूँ। हम दोनों एक ही मंजिल के राह हैं। अगर हम दोनों इस मंजिल को तय कर जाएं, तो हमसे खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा। हौसला रखो, शायद अब वो सो गया होगा। तुम ही रहो, मैं आता हूं। पुलिस इंस्पेक्टर की जिंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आते हैं। तुम उसका ख्याल छोड़ दो किशोर। ख्याल छोड़ दो? हाँ। ये नामुमकिन है बिंदु। तुम भूल रहे हो कि मैं किशोरी नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ, जिसका काम है लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। हिफाजत करने के लिए जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? तुम प्राण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते बिंदु? मैं जानता हूँ प्राण को गिरफ्तार करने से सारा गिरोह गिरफ्तार हो सकता है,
ये नाइट क्लब, कुकिंग का धंधा, सोने का स्मगलिंग, ये सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन ये सब खत्म करने के लिए मुझे सबूत चाहिए, सबूत। और उस सबूत की तलाश में मुझे तुम्हारी जरूरत होगी बिंदु। तुम तो खामोखा घबरा रही हो, भला तुम्हारे रहते मुझे वहाँ किस बात का खतरा है? नहीं, नहीं, बिंदु, मैं एक बार नाइट क्लब में फिर से जाना चाहता हूँ, ताकि सारे राज तुम मुझे अच्छी तरह समझा सको। मैं? हाँ, और इस बार मैं पूरे सबूत समेटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं हूंगा और मिस्टर प्राण। आखिर मेरी नजर तो कहा खा ही गई। मैंने बादशाह से उसी वक्त कहा था कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कौन है, कौन है वो जो हमारी गिरफ्तारी चाहता है, कौन है? बस मुझे तुम्हारी बिंदु पर शक है। ये तुम नहीं, औरत की जलन बोल रही है। जलन नहीं डार्लिंग, आई डाउट हर। कहां गई है वो इस वक्त? कहां, बिंदु कहां है? बस वो एक बहुत बड़ी आसामी को फांसने गई है। आसामी को फांसने गई है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कहां रही थी तू? कैसी लग रही हूँ बॉस? मैं पूछता हूँ तू कहां रही थी? बॉस आज तो मजा ही आ गया। मैं उसके करीब जाकर बैठी, टोपी उतारी, उंगड़ाई ली, घूम कर देखा, वो देखते का देखता ही रह गया। मेरी कलाई पकड़ी, मैं बल खा गई, मेरा हाथ पकड़ा, मैं घूम गई, ऐसी घूमी बॉस, वो घूम गया, मैं घूम गई, हम दोनों घूम गए। क्या ख्याल है बॉस? फिर क्या हुआ? बस मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, तुम कितनी बहादुर हो बिंदु। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, चांदनी गहरी हो गई, तारे शर्मा गए। शाबाश, बहुत बड़ी आसामी है बॉस, कल शाम को आने का वादा किया है। भरी हुई जेब लेकर आएगा, खाली जेब लेकर जाएगा, पैसा बहुत है, अक्ल कम है। बॉस शादी का झांसा दिया है। कितने बजे आएगा वो कल? शाम को 8 बजे। बस बॉस ऐसा काटना कि मजा आ जाए। काटूंगा, ऐसा काटूंगा कि वो भी याद रखेगा। पक्का बॉस? ये है मेरे अंकल, और अंकल ये है मेरे होने वाले। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आपकी भतीजी जरा शर्मीली है। बहुत दिन से इंतजार था। जी काफी बिजनेस फैला हुआ आपकी दुआ से, इसलिए वक्त नहीं मिलता। जरूर जरूर। वाह साहब वाह, क्या खूबसूरत होटल है। दरअसल प्राण साहब यहाँ की हर चीज मुझे खूबसूरत लगी। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आपके घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं अंकल, आपने इनका घर नहीं देखा? बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर मोटी मोटी सलाखें, और बड़े दरवाजे के ऊपर नंगी बंदूक का पहरा। जी बज रही, शायद कोई आपको नीचे बुला रहा है। जी नहीं, ये तो मेरे कमरे में बज रही है। अच्छा, साहब मेहमान सीढ़ियों पर और घंटी आपके कमरे में? जी हाँ, ताकि नौकर खबरदार हो जाए। खूब खूब सेक्रेटरी नोट कर, अपने मकान के लिए भी बहुत काम की चीज है। वेरी गुड सर। ये है मेरा डाइनिंग रूम, और आप है मेरे दोस्त श्री राम प्रसाद जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत बड़े व्यापारी। आपसे मिलिए श्री मदन लाल भूटानी, बेशुमार मेलों के मालिक। बस बस, बस अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी है। मैंने आपको कहीं देखा है? जी बर्मा में, मेरा बर्मा में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट था, आप फौज में तो नहीं? जी नहीं, मैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी, माफ कीजिए गलती हो गई। मेरा सेक्रेटरी कहाँ गया? सतीश। यस सर। मनसुख लाल का अपॉइंटमेंट कितने बजे है? 10:25। 10:25, ओह मुझे टेलीफोन करना पड़ेगा, माफ कीजिए। जी चलिए चलिए चलिए। दिस वे प्लीज। सतीश इसे जरा बुझा देना। यस सर। क्या हुआ बिंदु, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया। चल। आओ। अरे ये क्या? ओ टेलीफोन,
मैं तो सुनता टेलीफोन करने के लिए आप मुझे नीचे ले जा रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको यहीं ले आ रहा था। ओह शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अजीब जगह टेलीफोन है। हेलो मनसुख लाल जी, मैं भोटानी बोल रहा हूँ। आपके साथ अपॉइंटमेंट था ना आज, वो आज कैंसिल कीजिए। अजी हाँ, मैं आपसे कल मिलूंगा। गुड नाइट। वाह भाई खूब, अजीब जगह टेलीफोन लगवाया आपने। ऐसे वैसे मौके पर को ढूंढे तो उसे मिल ही नहीं सकता। अंकल अंकल इस मामले में थोड़े क्रेजी है। सॉरी अंकल, इनके शौक का कोई जवाब नहीं। बटन दबाओ, दीवार गायब। इशारा करो। आइए आइए अंदर आइए। इस पे प्लीज। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप हैं मेरे दोस्त मिस्टर जोसेफ। मिस्टर जोसेफ, हाउ डू? कहिए, ताश का शौक है आपको? ताश? ताश अंकल, ताश की तो ये हालत है, जुआ खेलने वाले इनसे इतना डरते हैं कि जैसे ये कमरे में दाखिल हुए, ताश और नोट मेज पर और जुआ खेलने वाले कमरे से बाहर। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत से ज्यादा मेरी तारीफ कर रही है। खाने से पहले दो दो हाथ हो जाए। दरअसल मैं यहाँ ताश खेलने नहीं आया, बिंदु ने अपने अंकल की इतनी तारीफ कर दी कि मैं इनसे मिलने के लिए मजबूर हो गया। बनते क्यों हो, दो चार हाथ दिल बहलाने के लिए खेल लो ना। अगर रुपए नहीं है तो अंकल से ले लो। क्यों अंकल, सब कुछ इन्हीं का तो है। यकीनन यकीनन, आप मेरे होने वाले दामाद हैं। जी हाँ अंकल, एक रोज हमारे पास ही तो सब कुछ आने वाला है। तो फिर हो जाए। जी हाँ जी हाँ। आपका बिजनेस? जी हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आइए तो फिर हो जाए। आप मिस्टर जोसेफ? मिस्टर जोसेफ। कहिए क्या खेलेंगे, रमी, फ्लैश, पोकर, पॉन्टून या ब्रिज? लेकिन ब्रिज तो आप लोग खास खास मौके पर खेलते होंगे। चलिए आज फ्लैश ही हो जाए। चलिए मिस्टर जोसेफ शुरू कीजिए। अंकल जेब भरी हुई रहती है, इसलिए भरा हुआ पिस्तौल रखना ही पड़ता है। आइए। मगर ऐसी पिस्तौल तो सिर्फ पुलिस या फौजियों के पास होती है। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये शायद बर्मा में खरीदा था। मेरा मतलब है कि रईसों के पास बहुत कम होती है। मुमकिन है। जरा देखो तो। देखिए मैंने देख ली है। तुम्हें यकीन है कि चाबी उसकी जेब में है? आप सब इंतजाम करके रखिए, मैं अभी पहुंची। बहुत अच्छा, उसे जल्दी ले आओ। आइए, आपके आने की बड़ी खुशी हुई, आपका कब से इंतजार हो रहा था। आइए। कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें,
धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें पुकारे दिल दीवाने में के बादल है मनाए बरसातें कहाँ फिर हम कहाँ फिर तुम कहाँ ये रातें धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें उल्फत के तारानों में सब खोए हुए हैं कहने को है जागे से पर खोए हुए हैं उल्फत के तारानों में सब खोए हुए हैं कहने को है जागे से पर खोए हुए हैं पुकारे दिल दीवाने में न घबराना न शर्माना बुरी है ये बातें कहाँ फिर हम कहाँ फिर तुम कहाँ ये रातें धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें अफसाने निगाहों के सुनता जा दीवाने फिर आए कि ना आए मिलने के जमाने अफसाने निगाहों के सुनता जा दीवाने फिर आए कि ना आए मिलने के जमाने पुकारे दिल दीवाने में बड़ी मुश्किल से आए हैं मिलन की ये रातें कहाँ फिर हम कहाँ फिर कहाँ ये रातें धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें पुकारे दिल दीवाने में धूपों के बादल हैं मनाए बरसातें कहाँ फिर हम कहाँ फिर तुम कहाँ ये रातें धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें मतलब कि चाबी का नक्श ले लिया है कल सुबह चाबी बनेगी और शाम को डाका होगा कहाँ डाका होगा ये तो मुझे मालूम नहीं कल एक आदमी चाबी का सांचा लेकर नई चाबी बनवाने जाएगा तुम उसका पीछा करना उसका पीछा करने से शायद सारे गुरु का मालूम पड़ जाए वो सोने का स्मगलर है और चोरी का भी पता चल सकता है चाबी का सांचा लेकर कौन जा रहा है अभी कुछ पक्का नहीं है जैसे ही पक्का हुआ मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगी मेरे तो ख्याल में वो मोटा पाशा है ना वो नहीं तो अपना बैरा रुस्तम रुस्तम हाँ रुस्तम लेकर जाएगा अच्छा तो मैं जाऊँ इतनी जल्दी ये खबर देने की तो आई थी खबर देने कभी खबर लेने भी आती हो आप खुद ही आ जाया कीजिए ना ये है चाबी का साचा जरा होशियारी से जाना बहुत अच्छा बॉस जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना मैं इधर ही हूँ ओके बॉस चाबी बनते ही मैं आपको फोन कर दूंगा बिंदु यस बॉस तुम फोन पे रहो जो ही पाशा का फोन है मुझे खबर करना खबर देना तो मेरा काम ही है बॉस खबर तो मैं कर ही दूंगी हेलो
पीछा कर रही है। हाँ हमारा ही पीछा कर रही है। अरे हमारा नहीं तो क्या किसी शरीफ आदमी का करेगी, पर आप ये बता करना क्या चाहिए? ये चाबी का सांचा कहीं गायब कर देना चाहिए। तलाशी लेने पर ये सांचा हमारे जेब से निकला तो रुस्तम बहुत बुरी हालत होगी हमारी। रुस्तम रास्ते में गाड़ी रोकते हैं और हम पैदल चलेंगे, रास्ते में किसी की जेब में डाल देंगे। पाशा ये चाबी का सांचा हम जिसकी जेब में डालें तुम उस आदमी का पीछा करना, इंस्पेक्टर को मैं संभालूंगा। पाशा पुलिस की जीप हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब क्या करना चाहिए? मेरा इरादा है। हाँ ठीक है तुम्हारा इरादा, तुम सांचा उसकी जेब में डाल देना फिर पीछा करना, वो पुलिस को संभाल लेगा। अजी इंस्पेक्टर साहब भला हमारे ऐसे नसीब कहाँ, बस स्टॉप पे खड़े थे एक भले आदमी आकर लिफ्ट दे दी। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। जरूर लीजिए। और इंस्पेक्टर साहब पुलिस की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। ओके तो यही कहीं न जाने कहां गायब हो गया। अयो जरा धीरे जी, हमारी चमड़ी बहुत नरम है। क्या मखमल है मखमल, पैर रखो तो फिसल जाए। आप हमारी बात में क्यों बोलते जी? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। ये नमस्ते कैसा जी? आपने मुझे पहचाना नहीं स्वामी जी, मैं और पाई भगवान दास आपकी शादी में आए थे। शादी? हाँ कैसी शादी? हमारी शादी हुई थी नहीं। शादी हुई नहीं? नहीं स्वामी जी आप भूल रहे हैं, आपकी शादी हुई थी और हुई थी, जरूर हुई थी। तुम हमारे शादी पे कैसे आ सकता जी? हमारी शादी क्या, हमारे खानदान में किसी की शादी हुई जी नहीं। क्या कहा, आपके खानदान में किसी की भी शादी नहीं हुई? तो माफ करना आप, तुम हम कैसा पैदा हुआ ये पूछता ना तुम। हमारे परदादा ने हमारे दादा को गोद में लिया, हमारे दादा ने हमारे बाप को गोद में लिया, और हम बाप को गोद, नहीं बाप ने हमको गोद में लिया। तो यही हो, तुम भी तो किसी को गोद लेंगे? लेंगे जरूर लेंगे, लेकिन तुमको नहीं लेंगे। ओ गोद को गोद में लेंगे, मुझे गोद में नहीं लेंगे। चलिए साहब गोद को गोद में लेंगे, मुझे नहीं लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे। क्या बनाओ साहब? सेब बनाओ, मगर सुनो उसे पहले जरा जल्दी करिए जी, हमको ये आदमी पॉकेट मार मालूम होता है, जल्दी करिए। ए भाई जरा जल्दी 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 जरा जल्दी भाई जल्दी भाई जल्दी जरा जल्दी जल्दी जरा जल्दी करो जी, जरा जल्दी करो। ए भाई जरा जल्दी जल्दी। अयो हम इतना जल्दी नहीं मांगते जी। अरे भाई जल्दी कहा था, चबरी उधेड़ने के लिए थोड़ी कहा था, जरा नरमी से काम ले। आते चला राम राम जी। साहब अरे साहब क्या जहन्नम में हम मुझे छेद नहीं कराने। अयो ओ स्वामी तेरा
बेरा घर खो मुफ्त में मारा मुझे। भाई माफ करना भाई। काई नहीं, काई नहीं। अरे काई नहीं काई नहीं का, यहाँ तो बहुत कुछ हो गया होती। ऐसे उठ तो देख स्वामी रंगा स्वामी तेरा बेरा घर खो। अयो यो ये पॉकेट मार कहाँ से मेरे पीछे पड़ा है। वेंकट रमणा बस जल्दी आने दो। अयो यो आ गई। अबे मैं मर गया। वेंकट रमणा तो नीचे उतरो। हाँ क्यों मैं क्यों उतरूं, मैं इससे पहले लाइन में था और मामले का तो उतरो। अरे वाह पहले था। अरे वाह वाह मैं पीठ गुजार रहा था तो तुम चले आए। पोता मैं पहले था। झगड़ा मत करो हम चला जाता हूँ। जाओ ना। क्या बात करता हूँ। चला ना वो माता वाले। वो जाओ वो चला गया तो फिर मैं क्या करूँगा। आइए जाओ को यूं पकड़ा यूं मारा यूं उठाया यूं मारा हूं। माफ कर रहा। क्यों माफ कर रहा? क्यों गाड़ी में आया? अभी नहीं आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, अभी छोड़ दो मैं तो। अभी छोड़ दो मैं आया। क्यों छोड़ दिया? मारना था, मारना था। अरे क्यों छोड़ा? ये मुझे मार दे, ये मुझे के भाग गए। अरे बाप रे माफ करना माफ करना माफ करना। गाड़ी के बगैर पीछे क्यों आया? अरे अरे जान मारने को आया। आज आया कल नहीं आऊंगा। अरे अरे हमको छोड़ दो बाबा, तुम्हारा पाँव पैदा। अरे आप बाहर मेरे मेरे को छोड़ बाहर। बहुत मारा। खुद ही पीछे लगा था, खुद ही भाग गया। मेरी नोट तलाशी ली इसकी? जी हाँ। वो तो पहला चलिए लाया, कुछ नहीं मिला। तो फिर चाबी का सांचा कहाँ गायब हो गया? चाची के चाचा का तो पता नहीं। आप मैं पूछ रहा हूँ चाबी का सांचा कहाँ गायब हो गया। चाबी का सांचा अपने को क्या मालूम कैसा चाबी कैसा सांचा। तुम झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोलता साहब, हम बहुत शरीफ आदमी है, अपने को अभी नहीं मालूम। साहब शायद हमारा टेलीफोन आया है तो बंद कर दो। साहब हम शरीफ आदमी नवाज को फट जाएंगे आपको। इंस्पेक्टर किशोर ओ बिंदु, मैंने उस आदमी का पीछा किया, उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसके पास कुछ मिला नहीं। मुझे पाशा का फोन आया था, उसने यहाँ से दूसरे आदमी को बुलवाया है। चाबी का सांचा चाबी बनाने वाले के पास पहुँच गया है। इस नए आदमी का कद दरमियाना, रंग गंध में, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी मूछें, नीली टोपी, नीली पैंट, गाड़ी का नंबर 350। कौन सा बिल्डिंग? बिल्डिंग वी नरीमान बिल्डिंग, गाड़ी नंबर 350। अच्छी बात।
जरा ध्यान से, पहली बार भी डाके के मौके पुलिस आ गई थी। हाँ हाँ, डरने की कोई बात नहीं। गाड़ी अच्छी तरह देखी जा रही है और इंस्पेक्टर किशोर ही ड्यूटी पर। इंस्पेक्टर किशोर, हुशियारी से रहना। Thank you.
जल्दी जल्दी जल्दी। बिंदु तुम जोड़ी को टेलीफोन करो, उसे कहो कि सोना आ गया है, रुपया लेकर जल्दी आ जाए। हेलो पुलिस स्टेशन, माल तैयार है। माल? मैम साहब अभी पुलिस स्टेशन है। क्या कहा? वो दुकान पर नहीं है। मैम साहब ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर फोन करूंगी। चोरी का क्या हुआ? जी वो दुकान पर नहीं है। उसे घर पर जाकर इत्तला करो कि रुपए लेकर फौरन ही आ जाए। यस बॉस। जैसे ही तुम पहुंचोगे सोना और जौहरी दोनों वही मिलेंगे। ठीक है सतीश, तुम जौहरी के घर पहुंच जाओ, जैसे वो निकले उसका पीछा करो। ओके। अच्छा किशोर मैं जाती हूं। अच्छी बात है। बॉस बिंदु कहां गई है? बॉस जौहरी के पास, लेकिन मैंने उसे पुलिस स्टेशन आते देखा है। पुलिस स्टेशन? पागल हो गए हो, मैंने खुद उसे जौहरी के यहां भेजा है। तो फिर वह जौहरी के यहां नहीं गई? बॉस मैंने खुद उसे अपनी आंखों से पुलिस स्टेशन देखा है। इम्पॉसिबल, बिंदु को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। लेकिन बॉस आज आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। मैं सच कहता हूं बॉस, मैं बिंदु को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। बिंदु? पुलिस स्टेशन? हाँ बॉस। तुम जा सकते हो। कहाँ गई थी? जौहरी के पास। 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 मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी? जवाब दे, कहाँ गई थी? सुन लो, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन? क्या कर रहे? एक खूनी से बदला लेने। कैसा बदला? कौन सा भाई? विजय। तुम विजय की बहन हो? हाँ मैं विजय की बहन हूँ। तुम समझती हो मैं कठपुतली हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए यहाँ आई हूँ? समझते हो कि मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हारे लिए कोकेन के पैकेट पहुँचा दूँ, तुम्हारे लिए हार चुराऊँ, तुम्हारे लिए लोगों को फंस कर लाऊँ? मैं बदले की आग में चलती हुई यहाँ आई थी। थोड़ी देर में तुम भी इस आग की लपेट में आ जाओगी। तुम चलोगी और मैं तमाशा देखूंगी। कानून के लंबे हाथ, कानून के लंबे हाथ तुम्हें तो बोलेंगे और मेरे दिल की जलन ठंडी होगी, तुम्हारी जिंदगी मौत में बदलेगी। मैं कहके लगा लगा कर हंसूंगी, खूब हंसूंगी। चक्रांत, आज मैंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। जौहरी आ रहा है। जौहरी? जौहरी आ रहा है? इससे मैं पास नहीं बैठूंगा, डाल इसे अंदर की कोशिश। चलिए कोई जरूरत नहीं, मुझे आपको भरोसा नहीं। मैं जाता हूं। हैंड्स अप। नाइट क्लब की जिंदगी आज खत्म हो गई। Thank you.
अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए।
मुझे अफसोस है सतीश, मैं प्राण को अदालत में जिंदा हाजिर नहीं कर सका, लेकिन आज से नाइट क्लब की जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो रही लाश। कंग्रेचुलेशन। कम आओ। सोच रहा हूँ कि जब घर पहुंचूंगा तो माँ कहेगी बेटा गया तो अकेला था लेकिन साथ किसे ले आया, तो क्या जवाब दूंगा। बस इतनी सी बात? ये छोटी सी बात है।